बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट व्यूअर्स फ्रॉम लाइव विद वाईजे कमियाना। और आज जिस शख्सियत के साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो एक सीनियर तरीन एडवोकेट ही नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिम्मेदार घराने से, छोटे से गांव, बड़ा नाम, बड़ी पगड़ी, बड़े वालिद के बेटे, और इतनी मेहनत की कि आज वो एक बहुत बड़े सायादार दरख्त। और मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं कि वो थिंक टैंक है लॉ के ऊपर, थिंक टैंक है सियासत के ऊपर, थिंक टैंक है वो मुआशरे के लिए, और फिर उनका जो नाम है वो पाकिस्तान में एक बड़ा मकाम है। तो आइए आपकी मुलाकात करते हैं, लेट्स मीट द ग्रेट थिंक टैंक जनाबे जमील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील बेग साहब, कैसे हैं सर? थैंक यू, हाउ डू यू फील सर? वंडरफुल जी, क्या कहेंगे, हम आपके यहाँ आए हैं, हमारी टीम आई है और प्रोग्राम लाइव विद वाईजे कमियाना इस वक्त दुनिया आपको देख रही है। हाउ डू यू फील सर? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कमियाना साहब, आपका पहला प्रोग्राम भी बाकमाल लोग हम देखते रहते हैं और बड़ा उसको एंजॉय करते हैं और बड़े फैन हम आपके, और ये भी प्रोग्राम बहुत लाइव विद जा रहा है और जबरदस्त प्रोग्राम है और काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम का और आपका कि यहाँ पर मेरे घर पे आपने पूरा सेट नसब किया, अपना स्टूडियो छोड़ के आप आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेग साहब थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली रियली वी आर ग्रेटफुल फॉर ग्रांटिंग सो प्रीशियस टाइम फॉर माई टीम और प्रोग्राम लाइव विद वाईजे कमियाना। तो ग्रेट व्यूअर्स, आइए हम जमील बेग साहब से चैट करते हैं, गपशप करते हैं और उनसे कुछ सवालात आपकी दिलचस्पी के लिए पूछते हैं। जमील बेग साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा जनाब कि एक तो तब्दीली आ गई, हम तब्दीली को ऐसे देख रहे थे जैसे गांव में कोई नई आने वाली वोटिनो देखता है, और उसके बाद फिर पूरे गांव की, पूरे गांव का जो ओपिनियन होती है वो क्या होती है, क्या होने जा रही है, उस पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बताइएगा सर कि, बल्कि मैं द ग्रेट व्यूअर्स, सारे प्रोग्राम से पहले मैं बेग साहब से गुजारिश करूंगा और तमाम जो व्यूअर्स हैं डीएनएन के, उनसे गुजारिश करूंगा कि खातून, साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज, जो बड़ी हम्बल लेडी थी बेग साहब, वो दुनिया से चली गई, सब ने चले जाना है। तो आपसे भी गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। जी बेग साहब। आमीन जी, बिल्कुल, ये बड़े ही अफसोसनाक खबर आई कल से कि कुलसूम नवाज साहब का इंतकाल हो गया, और कल उनका जनाजा है और यहाँ लंदन में आज जनाजा है। जी जी, रीजेंट पार्क। इस चीज़ में मैं यहाँ पे अर्ज़ करता जाऊँ कि जब हम जनाजा पढ़ते हैं तो वहाँ दुआ पहले जिंदों के लिए की जाती है, फिर मैयतीन के लिए की जाती है। तो ये हमारे लिए एक याद दहानी का वक्त होता है कि सबने चले जाना, सबने चले जाना है, और जो पीछे रह गए हैं वो क्या कर रहे हैं, एक चंद गज का कपड़ा आपने लेके जाना, बाकी सारा कुछ यहाँ छोड़ जाना है। तो जो बहरहाल शायद उनकी फैमिली के लिए कोई ये इबरत का सबक ना हो, पर मेरे लिए तो ज़रूर है कि जब जाना है तो क्या लेके जाना है, और हलाल कमाई ही होनी चाहिए जिसका आप हिसाब दे सकें। सर वो तो है ना, सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, चलिए हिसाब किताब तो हर एक में शरीफ फैमिली के लिए रुदाली जो आके अफसोस करते हैं, मगर उनको कोई राय हदायत देने वाले लोग भी होने चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या रास्ता आपके लिए आपने चॉइस किया है। बेग साहब, मेरी ज़ाती राय है कि आज चुके ये लम्हा अफसोस का है, तो चलिए ये बातें तो सारे कई सालों से हो रही हैं, क्या इस पर आप ये क्या कहना पसंद फरमाएंगे कि क्या सिर्फ शरीफ फैमिली को ही हिदायत आनी चाहिए, बाकी जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, जिन्होंने सारे दुबई के खजाने भर दिए, स्विस बैंक के खजाने भर दिए, आप फास्ट ट्रैक में बाकियों को भी रखना, रखने के बारे में कोई तजवीज़ शॉर्ट सी देंगे? मैंने सबसे पहले तो अपनी बात की है कि मुझे अपना इबरत का देखना चाहिए, मेरे पास क्या है और क्या लेके जाना है, और ऑब्वियसली जब मैं अपनी बात करता हूँ तो फिर सबको भी सोचना चाहिए कि हमने यहाँ से क्या लेके जाना है, माल लेके जाने हैं या पैसे लेके जाने हैं या प्लाजे लेके जाने हैं, और तो ये बहुत सोचने का मुकाम है। हम रोज़ाना जनाजे उठाते हैं और फिर इस वक्त भूल जाते हैं कि हमारे अमाल क्या हैं। एनीवे जी, द ग्रेट व्यूअर्स,
ہم ڈی این این کی جانب سے شریف خاندان کے ساتھ افسوس اظہار افسوس کرتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور پروردگار سے درخواست ہے, دعا ہے, عدلیہ سے درخواست ہے, ہمبل پرے ہے کہ جس نے بھی جو کیا ہے اس کا حساب کتاب اس خاندان کی طرح جس طرح فاسٹ ٹریک پہ رکھا ہے آپ مہربانی فرما کے یور لارڈ شپ جھٹکا کر دیجئے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی منصف تھا اور کوئی ترازو تھا. بیگ صاحب, ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں جی, ہم پکڑ لا 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 پکڑ لیا اور پھر پکڑا. چلیے 47 سے تو نہیں کرتے, جنہوں نے ٹلے مارے جنہوں نے حساب کتاب نہیں دو کہتے جی 47 تو شروع کرو. آئیے ہم تھوڑے سال پہلے کراچی سے پکڑے جانے والے ڈاکٹر آسم صاحب کے بارے میں آپ سے گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آسم صاحب زرداری صاحب کے دوست, یہاں سب کے کوئی نہ کوئی دوست ہے, لنکیج ہے. پکڑ لیا, پکڑا, کیا کیا کہا, دہشت گردوں کا علاج ہوتا ہے, اربوں روپے باہر چلے گئے, پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی, بتائیے گا. جی سر, میں بڑی اس پہ تو بڑی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایلیگیشن ہے کہ 450 ارب کا ڈاکٹر آسم نے فراڈ کیا ہے, اور پہلے رینجر نے ریمانڈ لیا 3 ماہ کا, پھر پولیس نے ریمانڈ لیا 3 ماہ کا, پھر نیب نے لے لیا ریمانڈ کا. سادہ سا سوال ہے میرا کہ 450 ارب کو چھوڑیں, کچھ 50 ارب کی جائیداد اس کی پکڑ لیں, وہ کہاں پڑی ہے؟ وہ اگر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی چیز سامنے لائیں, اس کو پکڑیں, بالکل رگڑ دیں. اگر آپ نے اس طرح کے کیس بنانے ہیں کہ جس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے, تو پھر یہ ہائپر کریٹ کرتے ہیں اور پوری پبلک کو آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اور اس میں اگر ڈاکٹر آسم سے آپ ریکوری نہیں کرتے تو اس میں میرا تو خیال ہے تمام ایجنسی, تمام انٹیلیجنس ایجنسی اور جوڈیشری ذمہ دار ہے, اسٹیٹ کی ذمہ دار ہے, ہماری ذمہ دار ہے کہ ہمارا آپ نے ٹائم ضائع کیا, ہمیں بیوقوف بنایا, اور ملک کا عوام کا کتنا پیسہ ضائع کیا. میں اگر بیٹھ کے یہ خبریں سنتا ہوں کہ یہ 450 ارب ریکور ہو جائے اور ریکور 1 روپیہ بھی نہ ہو, تو یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اچھا سر, آپ نے ریمانڈ کی بات بڑی دلچسپ کی, رینجرز نے لیا, ایجنسیوں نے لیا, پولیس نے لیا, اصل ریمانڈ تو معاشرے نے لے لیا اس کا, ریمانڈ لے لیا, آپ نے تباہ کو برباد کر دیا اور وہی دندراتے پھر رہے ہیں سارے. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے, آگے چلیں. ہم ہائپ کریٹ کرتے ہیں, آسمان پہ لے جاتے, پھر دھڑام سے نیچے پھینکتے. وہ دوسرا ایگزیکٹ اسکینڈل دنیا میں بدنام ہو گیا کہ پاکستان جعلی ڈگریاں چھاپتا ہے, اس کا جو حال کیا شعیب صاحب کا, شیخ شعیب کا, کیا کر رہے ہیں ہم؟ دین اس کو بھی ساتھ لنک کر دیجیے بیگ صاحب. پھر ہز لارڈ شپ بہت بڑا مقام, وہ خود تشریف لے جاتے ہیں, کراچی گئے ہوئے تھے, انہوں نے سوچا کسی ہاسپٹل میں, ہاسپٹل کا وزٹ کر رہے تھے, وہاں انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ بیمار ہر جو بڑا ہے جس نے اس ملک کو لوٹا ہے وہ جو ہی مقدمہ بنتا ہے, جو ہی جیل جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ایک بیمار دی خبر گیری کر کے اگوں کی ہے, بتائیے سر. جی وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں شراب برآمد ہوتی ہے, اور بعد میں میڈیکل کی رپورٹس آ جاتی ہیں کہ جس جو جو وہاں پہ لیب کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جو شراب شرجیل میمن جو ہے وہ بالکل اس کے بلڈ میں شراب کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے, اور شراب نہیں تھی وہ شہد تھا اور یہ تھا اولیوال تھا. کمال کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ شاید نہیں تھا, یہ فلان تھا, یہ ٹھیک تھا. یہ میڈیا کمپیٹنٹ ہے یا یہ ڈاکٹر کا کام ہے؟ اب جن کا نام آ گیا کہ جن شراب ہے وہ ایسی شراب ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ جن کوئی چیز شراب کا نام ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا. جن بندے نو کھان والا جن, جی جی ہم تو یہی سمجھتے. اب کہتے ہیں جن شراب ہے جو پانی کی طرح ہے, جو بالکل بے رنگ ہے, بے خوشبو ہے, اور وہ کہتے ہیں شراب ہوتی ہے اور بڑی بہترین شراب ہوتی ہے, ہمیں تو نہیں پتہ تھا, جو پیتے ہیں ان کو پتہ ہے. میں بیگ صاحب, چونکہ ہز لارڈ شپ نے خود یہ کیس دیکھا, انہوں نے خود کیا, بات سمپل یہ ہے کہ وہ خود کرے یا کوئی کرے, میری گزارش اتنی ہے کہ اتنا آسمان پہ لے جا کے جی چلیے جی اور بتا دیجئے کہ پوری قوم اسی چکر میں پڑ جاتی ہے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے, پہلے ہی کوئی خوشی نہیں ہے, ہم ایک روز نیا پروگرام شروع کر دیتے ہیں, آسمان پہ لے جاتے ہیں, میڈیا کا کام اور کوئی نہیں ہوتا, چل سو چل ہے, اس کے بعد وہ سٹوری دڑام زمین پہ گرتی ہے. میں نے پہلے نئی سٹوری شروع کر دیتے ہیں, ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ جناب آپ نے ہاف ٹائم سے پہلے اس سٹوری اٹھائی اور آسمان پہ گئی, حال بھرا ہوا تھا, اس کے بعد جو ہی بریک ہوئی اور سٹوری دڑام سے نیچے گر گئی, نئی سٹوری آ گئی.
अब बेग साहब इसको भी टच कर लें, एक छोटा सा वाक्या पाक पतन में हुआ जी, और उस पर भी जरा रोशनी डालिए कि उस वाक्य को भी हमने बात का बतंगड़, इतना तो मेरा ख्याल है क्लिंटन साहब का वो यूनिस्की वाला वाक्य नहीं हुआ, इतना उसको शोहरत नहीं मिली जितना हमने इसको उठा के रख दिया पाक पतन में। वो जो मानेका फैमिली, हमारा उनसे फैमिली का क्या सेटअप है, क्या तलक है, मैं इतना जानता हूँ कि गुलाम मोहम्मद मानिक साहब एक बहुत अच्छे सोबर इंसान थे, बहुत बड़ा नाम था, मोजेज आदमी थे, उनकी औलाद के साथ हमारा क्या तल्लक, उनके जो भी फेल हैं वो उनके साथ हर एक ने अपना हिसाब देना है। लेकिन ये जो अक्रंस हुआ है पाक पतन में, पुलिस वर्सेस मानिका फैमिली ट्राइका बनी और फिर जनाब वो जो सादल हमारे वजीर अला नए बने हैं जिनके घर अपनी बिजली नहीं, वो उस अदालत लगा रहे हैं वजीर अला हाउस में, इस पर भी जरा रोशनी। ये बिल्कुल अजीब तमाशे हैं कि एक एएसआई ने किसी को रोका है और उस पर आपने डीपीओ को बुला लिया, डीपीओ को आपने सस्पेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और बुला कौन रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी प्रोविंस, और सबसे बड़े प्रोविंस थे, सबसे बड़े प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको बुला रहा है एक डीपीओ को कि आप जाके माफ़ी मांगे और ये करें वो करें, चलें भाई ये काम हो गया, उस पर आगे हाइपर क्रिएट जो कर दी वो यहाँ की मुल्क की जुडिशरी ने कर दी, आप बुला लिया। इससे पहले सर, जुडिशरी से पहले सर गुजारिश सुन लें, वजीरे आला पंजाब रात को 10 बजे या 12 बजे क्या कर रहे, ऑर्डर कर रहे हैं, क्या उनके पास वहां हेलीकॉप्टर थे? हाँ। कि वो पुलिस ऑफिसर्स है जिनको भी बुलाया गया जी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि गुजारिश अर्ज करूंगा कि बेग साहब हमें ये बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं सर कि ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कोई सोशल सिस्टम नहीं है, कोई लॉ का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया, आगे वो जब ट्रांसफर होगी बात खत्म हो गई थी, बात खत्म, चले ठीक है, अब आके कौन इंटरवीन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान सुओ मोटो ले रही है, किसके लिए, कि एक ट्रांसफर गलत हुई है, ट्रांसफर गलत हो गई है, उसको बुला लिया गया, सिंपल सी बात है, उसने कहा कि जी मुझे इस तरह ट्रांसफर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस कहता है बेटा जाओ वहाँ पे काम करो, बात खत्म हो जाती सर, उसने जाके आगे सर मानिका फैमिली को बुला लिया, रिपोर्टें मांग ली, और वो चीफ जस्टिस कह रहा है कि अगर ये झूठ हुआ तो तुम यहाँ से आईजी नहीं जाओगे, और उसी आईजी को कह रहा रिपोर्ट दें, वो क्या रिपोर्ट देगा, क्या आप ये प्रेजरी रिपोर्ट नहीं देगा, रिपोर्ट आ गई, अब रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होगी, आगे ट्रायल चलेगा, ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप, एक बंदे की ट्रांसफर हुई है, हमारा क्यों टाइम ज़ाया करते हैं, जुडिशरी का टाइम ज़ाया हो रहा है, आवाम का, मैं आपको कि मैंने साहब बताऊं, आप हाई कोर्ट में जाके देखें, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि हाई कोर्ट में सीढ़ियों पे मार्बल लगा हुआ है जी जी, और मार्बल घिस गया है सीढ़ियों का जी, हाँ नीचे से घुन निकल रही है, मार्बल घिस गया है लोगों के पाँव से, इतनी दुनिया वहाँ पे धक्के खा रही है, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, तो आप कौन से काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी ये स्टेट का काम नहीं हो रहा, ये पब्लिक मीडिया पे जाके आप प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, इंसाफ नहीं प्रोवाइड हो रहा लोगों को, इंसाफ कितने लोगों का, क्या सीरियल के मुताबिक केस लगते हैं, जो केस नंबर लगे हुए हैं केस सीरियल के मुताबिक कोर्ट्स में केस लगने चाहिए, जो मर्जी केस पिक कर लेते हैं। बेग साहब मैंने एक तजवीज दी है, मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तजवीज दी है कि जनाब अगर सेशन कोर्ट में वकील साहब एडजर्नमेंट लें, आपको ये बात शायद पसंद ना आए, हाँ। तो मैंने कहा 10,000 रुपये फाइन, जज साहब छुट्टी करें 50,000 फाइन, ऊपर जाते जाते मैंने कहा डैम तो वैसे ही बन जाएगा, आप फाइन करें और अपनी अदालत में जो आपके यहाँ एडजर्नमेंट है और केसेस हो रहे हैं, और जिस जज साहब छुट्टी करें, जज साहब 5 दिन नहीं आए तो पेंशन जब्त हो जाए, तो पता चलेगा कि किस तरह केस होते हैं। अर्जेंट करना, वकील मुझे पता है वकील इस चीज़ की फीसें लेते हैं कि हम आपका केस प्रोलॉन्ग करेंगे जी, बिल्कुल सही है, ये क्या इंसाफ है, तो कौन से दूसरे को साथ ना इंसाफी, जिसका केस गलत होता है वो डिफेंड कर रहा होता है और वो कहता है हम केस को प्रोलॉन्ग करेंगे, प्रोलॉन्ग अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट होना है, मगर प्रोलॉन्ग करने का बेनिफिट है नहीं, लेकिन बेग साहब इसकी आप मुझे बताएं इसका कोई, हम चले अर्जेंटमेंट हो गई, फलां हो गया, जज साहब छुट्टी पे हो गया, फलां, इसका कोई हल बता दें कि जब आप चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक पे कोर्ट रात तक बैठ जाती है,
जी रात को अदालतें खुल जाती हैं। तो कोई ऐसा हल बताइए जो आपने क्या बताना है, चीफ साहब को बताया, तमाम अदलिया को पता है, तमाम दुनिया को पता है, मुझसे ज्यादा जानते हैं सारे। आप मुझे बताएं, हम मिलिट्री के, हम फौज के खिलाफ बात करते हैं, जब फौजी अदालतें लगती हैं वो डेढ़ घंटे में फैसला कर देते हैं, होते कि नहीं, उस पर हम चीखते हैं। वो अगर आप उस प्रोसिक्यूशन के ऊपर बंदे हैंग कर देते हैं तो यहाँ सर वो डेढ़ घंटे का प्रोसेस भी जस्टिफाइड नहीं है। सर को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप फेयर ट्रायल का मौका दें, सारे बराबर हैं, बट फेयर ट्रायल का मौका दें। ये तो ना हो कि केस को इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप डिले कर दें और मर्जी के केस करें, जिस केस का आपका दिल करता है वो केस लगा दें और उसकी रोज की बेसिस पे हेयरिंग शुरू कर दें, उसका कमीशन बना दें, उसकी GIT बना दें, जो केस आपको पसंद नहीं है, नहीं करना चाहते वो पड़े रहें। ये निकाले तो सही कितने सर, कोई इसका 20-20 साल से केस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, इसका कोई हल बताइए, रेमेडियल एक्शन, के ये हुकूमतों का काम नहीं था कि कोई इसका रिंग बना देते, यार्डस्टिक बना देते कि इस ये लेजिस्लेशन हो जाती कि ये केसेस की नौयत जो है कैटेगराइज करके कि इसका फैसला इतनी देर तक होना जरूरी है, अदरवाइज Who will be responsible? ये पार्लियामेंट को इस पर कॉग्निजन लेना चाहिए और टाइम फिक्स ला में ये टाइम भी होता है कि इतनी देर में आपने ये फैसला करना है, और ये भी ज़रूरी होना चाहिए कोर्ट को रेगुलेट करना चाहिए पार्लियामेंट को कि केस जो फाइल हो केस तरतीब के मुताबिक लगें, पिक एंड चूज का अख्तियार नहीं होना चाहिए और लेफ्ट ओवर ना हो। बड़ी अच्छी बात वेक साहब, एक और बड़ी आप जैसे दोस्त ने कही, उन्होंने कहा जी चीफ साहब से, बल्कि हम भी गुजारिश करेंगे कि इतना ही कर दें, बहुत यकीनन जजों की तादाद कम होगी, मुकदमात बेशुमार हैं। उसका मैंने तो बेग साहब एक और तजवीज़ भी दी थी, नाकस सी राय दी थी कि FIR को कम किया जाए। हला ला 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 ला। अब लोगों ने चार अदालतें छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल गलत है। ये वेस्टेज टाइम है सर, इतनी बड़ी अदालत का वक्त ज़ाया है। लिहाजा इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी, और किस दिन बल्कि योर लॉर्डशिप आपसे इल्तमास है कि ये जो लाखों मुकदमे पड़े हैं इनको भी निपटा दीजिए, कोई सिलसिला ऐसा कर दीजिए कि ये फास्ट ट्रैक पे चलें, और प्रायोरिटाइज कर दीजिए जो वैसी थकी हुई FIRs हैं, जो सिविल मैटर्स हैं उनको सेपरेट करवा दीजिए, लोग दुआएं देंगे, ना कि आप जाएं तारीख में दो इंसान याद रखे जाते हैं, एक अच्छे काम वाला और एक जिसने अच्छे काम करने की कोशिश ना की हो। तो ये फैसला तो आप पे है, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, और बड़े मोहतात हो के इस पे मैं छोटी सी तजवीज़ दे दूं कि फास्ट ट्रैक करने पे दो काम कर लें। काम सॉल्यूशन वो होता है जो बहुत सिंपल होता है जी जी। सर जितने भी मर्डर केसेस हैं जी जी। वो प्रायोरिटी पे डिसाइड किए जाएं, जो नंबर वन। नंबर टू, जो फैमिली मैटर्स हैं वो प्रायोरिटी पे डिसाइड किए जाएं। ये तो उससे भी प्रायोरिटी बल्कि करते हैं, प्रायोरिटी पे करें। बच्चियां रुल रही हैं अदालतों में, बच्चियां रुल रही हैं। मैंने एक केस सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि वो खातून खर्चा लेने के लिए उसने केस फाइल किया हुआ था, उसकी बच्ची FSC में पढ़ रही थी, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जी आप जाके आपस में डिसाइड कर लें वरना फिर हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। भैया ये सुप्रीम कोर्ट, अगर ये आपस में उन्होंने डिसाइड करना होता तो सुप्रीम कोर्ट में क्या धक्के खा रही थी? कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंची है वो? अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपस में बैठ के डिसाइड करें। दो केस, कत्ल के केसेस और फैमिली मैटर, ये फास्ट ट्रैक पे कर दें, आपके घर में सुकून हो जाएगा, आपके बाहर सुकून हो जाएगा, आपकी 50% से लिटिगेशन कम हो जाएगी, बाकी लिटिगेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बेग साहब आप कत्ल केस सुने नहीं जाते, यकीनन ऑनरेबल लॉर्डशिप और तमाम अदलिया जो है हमारी गुजारिशात सुन रही हैं, और हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जारी रखा करेंगे, और हमने बेग साहब से गुजारिश की है, मेरी टीम रेडी है, हम आइंदा जो स्पेशलाइज प्रोग्राम है बेग साहब की जो फील्ड है टैक्स, जिसको कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या जुल्म हुआ, उस पर हम एक सेपरेट प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। ग्रेट व्यूअर्स, उस प्रोग्राम को आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और क्या क्या खूबसूरत चीज़ें जमील बेग साहब और उनकी टीम आपको बताएगी कि आपके ऊपर नाजायज़ एक ETO ITO कैसे जुल्म करता है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, छोटा सा वक्फा, हम यू लौटे। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, अदलिया पे बात हो रही थी,
हाइप क्रिएट पे बात हो रही थी, हम स्टोरियां उठाते हैं, मीडिया चल सो चल 24 घंटे, उसको कोई फिर काम नहीं होता, हमें कोई काम नहीं होता, लेकिन उसके बाद एकदम हम सारी स्टोरी को धर्म से ज़मीन पे फेंकते हैं। वो डॉक्टर आसम साहब हों और शेख शुएब साहब हों, बोल्ड टेलीविजन वाले, एग्जैक्ट स्कैंडल वाले, क्या हुआ, कौम पूरी हिजान में मुबतला हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। बेग साहब से हम गुजारिश करेंगे कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि कौम खुशियों में घिर जाए, कभी बिजली का बम, कभी गैस का बम, तो हम बेग साहब से गुजारिश करेंगे कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि कौम मुस्कुरांदी रवे, तब्दीली आंदी रवे, ते तब्दीली वाले जड़े ने वो भी कौम तो होते तरस खान। जी बेग साहब जी, जी थैंक यू वेरी मच। बेग साहब बड़ा अहम सवाल आपने किया है और बड़ा आसानी से आपने सवाल कर दिया, इतना मुश्किल काम जो आपने फरमाया। जब तक इस आवाम की गरीब लोग सुख का सांस नहीं लेंगे, उन तक पैसा नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ सुकून और अमन नहीं आएगा। गरीब आवाम, आप मिनिमम वेजेस आपने 15,000 रखे हुए हैं और वो भी नहीं दे रहे। पहले 8 घंटे काम करता था, अब मजदूर 12 घंटे काम करता, 15,000 रुपये देते हैं। 15,000 में वो कैसे फैमिली गुजारा कर सकती है? ये पूरी इकनॉमिक्स का असूल है। जो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो जानते होंगे कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जितनी ज़्यादा होगी वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। आपने पैसा एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया, ये जो आप ये सर अशस्त्री और सादगी जो आप अपनाते हैं, सॉरी सर, एक जगह को एलेबोरेट कर दें, एक जगह किन के यहाँ इकट्ठा हो गया और किधर इकट्ठा जी हो गया? उमरा के पास, लोगों के पास, सरमायादार के पास, जागीरदार के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। जब वो नीचे नहीं आता तो नीचे तबाही और गुर्बत हो जाती है, और चंद लोगों के पास पैसा इकट्ठा होता है, बाकी हर जगह बिल्कुल पचमुर्दी छाई होती है। ये पैसा जब सर्कुलेट होगा तो लोगों में बाइंग पावर बेहतर हो जाएगी। ये जो आप नई तब्दीली में जो आप आके बात करते हैं कि जी सादगी होगी और सादा तरीके से रहेंगे, खर्च ना होगा, ये भी अल्टीमेटली आप मेरी बात याद रखें, ये आपकी इकॉनमी के लिए तबाही होगी। सर इकॉनमी में जब जितनी थ्रिल होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, करंट होगा, देखें ये एक बात है कि एक तरफ एक्सपेंडिचर होते हैं, दूसरी तरफ इनकम होती है। जी जी जी, कमाल होगी बात कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया और वो ये वाह वाह कर रहा है, मीडिया, मुझे समझ नहीं आती कि हमारी अकल कहाँ गई है। कह रहे हैं कि जी एक चाय का कप और एक बिस्किट दिया है, अगर वहाँ पे सैंडविच देते, चिकन पीस देते, रसगुल्ले देते, नान देते, तो ये कहाँ से आते थे? ये गरीब आवाम ने बनाने थे। नान वाले ने नान लगाना था, सैंडविच वाले ने सैंडविच बनाने थे, चिकन वाले ने चिकन सप्लाई, ये रईस लोग हैं, आपने उनको रोजगार देना था। यार इतना क्या खूबसूरत बात की, 2-3 लाख रुपया आप क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, किस चीज की बचत? मेरे पैसे मुझे नहीं दे रहे, ये किसके पैसे हैं? नहीं सर, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि 55,000 रुपए लीटर वाला हेलीकॉप्टर तो जो जाते हैं वो जाते हैं। क्या क्या आप क्या सादगी, ये कौन सी इकोनॉमिक्स कर रहे हैं आप? ये लोगों को पैसा और हैं क्या, कागज के टुकड़े हैं। जी जी, कागज के टुकड़े बचा रहे हैं ना। जब स्टेट को देखा जाएगा तो आपके अपने प्रिंट किए हुए नोट हम खर्च नहीं कर रहे जी, जी किसको जी नहीं दे रहे? नान बनाने वाले को, चॉकलेट बनाने वाले को, मिठाई बनाने वाले, मजदूर को मजदूरी नहीं दे रहे? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? ये जब नीचे पैसा नहीं जाएगा तो मुल्क में तबाही होगी। आपने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया, इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया, डॉलर को आपने महंगा कर दिया, पेट्रोल को महंगा कर दिया। अच्छा बिग साहब, हाँ, अच्छा, पेट्रोल पे आ गए कि 7 रुपए बढ़ा के 2 रुपए वापस कर दिए, यानी बढ़ाए 7 रुपए और वापस 2 रुपए किए, 2 रुपए कर दिए, जो कीमतें बढ़ गई ऊपर, किस इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होता है, यहाँ बढ़ा रहे होते हैं। कोई आप तो ओपन सीक्रेट है सारा चीज, वर्ल्ड में मीडिया पे आ रहा होता है कि इस वक्त पर बैलर, पर डॉलर, पर बैलर क्या रेट है और आप किस भाव में बेच रहे हैं, गैस दे रहे हैं, टैक्सेस इकट्ठे करते हैं, जिनसे लेना होता है उनसे लेते नहीं है, जिनसे नहीं लेना उनसे ले रहे होते हैं, ये क्या ये स्टेट के कवर? साहब ये इस रिलीफ के बारे में जिसपे बहुत खुश थे लोग, गरीब आदमी, देखिए कार्ड कौन डलवाता है? कार्ड जहांगीर तरीन साहब तो नहीं डलवाते ना,
कार्ड शहबाज शरीफ साहब तो नहीं डलवाते, कार्ड इमरान खान साहब तो वैसे ही इकॉनमी ड्राइव करते हैं, वो तो कार्ड पता नहीं डलवाते भी नहीं डलवाते, अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए। एनीवे कार्ड तो जनाब कप्तान साहब, जनाब माय लॉर्ड बेग साहब से हम पूछते हैं, कार्ड तो ये छोटी सी खुशी जो है ये गरीब लोग डलवाते हैं, और इस पे चीफ जस्टिस साहब ने जो रिलीफ दिया उसके बाद जो अगला तमाशा होने जा रहा है उस पे आप बेग साहब हैरान हो गए। मैंने लिखा कि जनाब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब दूसरी मैनुपलेटेड पोस्ट लगवाई गई कि उस 100 रुपए के कार्ड में से 20 रुपए डैम के ना कार्ड लिए जाए, जरा इस पे रोशनी डालिए। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा सादा लो लोगों के साथ सादा लो। बात ये है कि ये जब आप कार्ड डलवाते हैं तो ये सारा कैश और वो कहती है हमने इसमें से 35-40 रुपए टैक्स ले लिया और बाकी आपका बैलेंस दे दिया। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम है जो ये चेक कर सकता है रिलायबली वेरीफाइबली ऑथेंटिक मेथड से कि ये पैसे जो इकट्ठे हुए हैं ये FBR के खजाने में गए हैं? क्या FBR के पास ऐसा कुछ सिस्टम है कि वो सीरियल नंबर चेक करते हो, क्या वेरीफाई करते हो? अगर मोबाइल कंपनियां अगर उन्होंने 1 करोड़ का कार्ड सेल किया है उसमें से आधे कार्ड वो डिलीट कर देते हैं जी जी। और बाकी का कुछ पैसा जमा करा देते हैं, FBR के पास कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो चेक करे कि ये पैसा आवाम का गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है। बैन ही जो सेल टैक्स है जी, सेल टैक्स जब कंज्यूमर से ले लिया जाता है, आगे जो इंडस्ट्री है, जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सेल टैक्स पूरा गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराता है या नहीं कराता, इसका कोई चेक एंड बैलेंस हमारे मुल्क में नहीं है। बिग साहब मुझे क्योंकि सारी कैश इकॉनमी, मुझे शिद्दत से एहसास है कि जिस तरह पान खाने वाले को पान का चौल पड़ रहा होता है, सिगरेट वाले को सिगरेट पीने की हो रही थी, आपको टैक्स का चौल तो पड़ रहा है, लेकिन इसके ऊपर चूंकि हमने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम करना है। जी जी नहीं, मैं वो बात आपकी सर, मैं ये चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला काबिल तहसीन है, बिल्कुल सही है। मैं इसकी बात इस तरफ आ रहा था कि जिस वक्त आपने उस पर टैक्स खत्म कर दिया और उनकी जो टैक्स की बचत सी मोबाइल कंपनियों की वो खत्म हो गई, अब उनको 100 रुपए आप डलवाते हैं, 100 रुपए का ही क्रेडिट देना पड़ता है। लेकिन बेग साहब आपकी माफी चाहता हूं, ये उन्होंने योर लॉर्डशिप कंपनियों ने और फ्रॉड शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने पैकेज जो हैं वो चीटिंग वाले कर दिए हैं, उन्होंने उसके मिनट्स कम कर दिए हैं। बेग साहब ये अब शोर ऑन शो गया है। और बेग साहब एक चीज और, ये टेक्निकल फॉल्ट है जी, ये जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उस पर इसको कॉग्निजन लेना चाहिए और उसको देखना चाहिए। बेग साहब मैं और आप हमारे साथ बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं हर बात चीफ जस्टिस साहब से क्या करें, मैं डायरेक्टर जनरल और प्रेसिडेंट PTCL से मुखातिब हूं, आपसे भी गुजारिश है सर कि आप बिजली जलाते हैं तो बिल आता है जी, एम आई राइट? द ग्रेट व्यूअर्स इज इट राइट, आप बिजली जलाते हैं तो बिल आता है, आप गैस चलाते हैं चूल्हा ऑन करते हैं तो बिल आता है। बेग साहब इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं इस कौम के साथ कि PTCL इतना बड़ा मिलियंस रुपए लोगों को लूट रहा है, नेट नहीं आता, अभी आपके यहां बैठे हुए थे, नेट क्या बात नहीं करते है, ब्राउजिंग नहीं है और बिल आपसे मिलियंस रुपया लिया जाए। इस पे प्लीज कोई चीफ जस्टिस साहब से कहें सोए मोटो करें जिस तरह नेट सेल कंपनियों से। सर ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने कनेक्शन लिया हुआ है, 6 महीने हो गए हैं, बिल पे कर रहे हैं, नेट नहीं चलता और आगे से आप एड्रेस करें सर जनाब 1218 को भी 1218 पे कॉल आ जाती है कि हमने आपकी शिकायत दुरुस्त कर दी है और शिकायत हमारे नहीं होती। सर इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बेग साहब यही दुख सारी कौम का है कि वो फोर्ज उसको ऑटो आंसरिंग 2 दिन लगाएंगे। ये स्टेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, PTCL स्टेट कंपनी है, स्टेट कंपनी, तो स्टेट कंपनी आवाम के साथ पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रही है। एक और मैं बात इंटरेस्टिंग बता दूं आपको कि इनका इन्होंने हमें कॉल की कि हम आपका आगे यहाँ टीवी लगा देते हैं, तो स्मार्ट टीवी हमने कहा जी लगा दें। ये तो लगता है दुख आपका और पूरी कौम का साझा है, हमारे साथ भी ये धोखा। 7,500 रुपए का हमें वो बिल डाल दिया, डिवाइस दे गए, डिवाइस खराब, डिवाइस चली नहीं, उन्होंने कहा जी आप इस पे नेट रिस्टोर करें, हमने नेट लगा भी दिया, तारें भी लगा दी, वापस ले गए डिवाइस, वापस ले गए, बिल भी हमसे ले रहे हैं
और कई महीने तक उसका रेंटल भी लेते रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक दो महीने हो गया बंद कराया, पता नहीं कोई, मेरा ख्याल है 25,000 रुपये के करीब हमसे सिर्फ स्मार्ट टीवी का ले चुके हैं और स्मार्ट टीवी चला ही नहीं। जनाबे मिस्टर प्रेसिडेंट पीटीसीएल, ये प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये सिर्फ एक जमील बेग साहब का नहीं, ये करोड़ों पीटीसीएल के जो यूज़र हैं उनके साथ जनाब इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब, प्रेसिडेंट पीटीसीएल, ऑल एजेंसीज सब सुन लें, बहुत बड़ा फ्रॉड। सेल कंपनियों को तो चलो कुछ थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, लोगों को रिलीफ मिल गया, अब वो दूसरे साइड से झटका करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी डैम फंड में काट लिया जाए, वो सरासर धोखा है। लेकिन मैं बेग साहब ने मेरा दुख जो है वो आपसे शेयर किया है, मेरा दुख कौम का दुख है, पीटीसीएल बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, पीटीसीएल बिल लेता है सर्विसेज नहीं देता, नहीं तो वेबसाइट पे आप प्लीज 3592, आई रिपीट माय लैंडलाइन नंबर, मैं टेलीविजन का लैंडलाइन नंबर 3592 5480, प्रेसिडेंट पीटीसीएल आप भी सुन लें, आपको वेब पे भेजा है, सर्विसेज जीरो हैं, ब्राउजिंग जीरो है, नेट जीरो है, और बेग साहब की तरह इन्होंने फ्रॉड किया, स्मार्ट टीवी जो है लगाया, डिवाइस के पैसे ले लिए, डिवाइस रुलती फिर रही है और कुछ नहीं, बिल गिरता है कुछ नहीं होता। तो गुजारिश है कि आइए हमारे साथ शोल्डर शेयर कीजिए और पीटीसीएल को तमाम जितने यूजर हैं पीटीसीएल के वो हमें कांटेक्ट करें, बेग साहब से गुजारिश होगी कि हम इस पीटीसीएल के खिलाफ मिलियन रुपए का रिफंड, जिस तरह मेडिकल कॉलेजों में हुआ है बेग साहब, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बड़ा काम किया कि मेडिकल कॉलेजों में और कराची में सिंध हाई कोर्ट ने ये बच्चों के ऊपर जो ठगी हो रही थी, दो नंबरी हो रही थी, फीसें बढ़ाई जा रही थी, वो वापस करवाई हैं। लिहाजा ऑनरेबल लॉर्डशिप आपसे दरखास्त है, पीटीसीएल को बुलाइए और इनके जिस्मों से हमारे खून पसीने की कमाई के पैसे रिकवर कराइए। एम आई राइट सर? यस सर, बिल्कुल। सर आप लोगों को रिलीफ दिलवाएंगे अगर लोग हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, तो जितने लोग लाइव हमें सुन रहे हैं पीटीसीएल के यूजर्स, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, राबता करें, हम इंशाल्लाह पीटीसीएल को पढ़ने डाल देंगे और यही चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह इनके जिस्मों से लोगों को रिकवर करा देंगे। मैं ऐड कर दूं चीफ जी, प्लीज आप पीटीसीएल जो है, पीटीसीएल हमारी कंपनी है जी, हमारी इसका जो स्टाफ है, इसकी जो मैनेजमेंट है, पीटीसीएल को तबाह कर रहे हैं और आई थिंक ये लोग दूसरी कंपनियों से मिले हुए हैं, दूसरी नेट कंपनियों से, इन्होंने अपनी कंपनियां अलग खोली हुई हैं, यूजर जो है पीटीसीएल छोड़ को दूसरी कंपनियों की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि नेट चलना है, काम होना है, इधर खराब करते हैं उधर ठीक कहते हैं जी आप वो ले लें। बेग साहब बड़ी दिलचस्प बात आपने की, ये वही बात है कि कोई आप जैसा दोस्त कहीं डॉक्टर साहब को अपने चेक कराने हकीम को गए, इन्होंने तमाम पीटीसीएल के अपने टॉप लोग के जो हैं उन्होंने जोंग की डिवाइसेज रखी हुई हैं, उन्होंने दूसरी कंपनियों की डिवाइसेज रखी हुई हैं, ये बहुत बड़ी 4G है, लिहाजा नेट की कंपनी है, इन्होंने खोली हुई है टॉप मैनेजमेंट ने, बिल्कुल सही, और वो गाइड करते हैं अच्छा पीटीसीएल क्या नहीं आ रहा तो ये ले लें, और दूसरी कंपनी उस पे क्रीम उठा के वो खा रही है। लिहाजा वंस अगेन प्रेसिडेंट पीटीसीएल एंड ऑल टॉप एजेंसीज आर रिक्वेस्टेड टू टेक सीरियस रेमेडियल एक्शन और लोगों के करोड़ों रुपए जो हर महीने लूटे जा रहे हैं वो मेहरबानी फरमा के वापस लौटा दीजिए और इनको सख्त सजा दीजिए। इसके ऊपर हम फिर पूरा प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब इस पे सोए मोटो भी लेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हम यू लौटे। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स, छोटा सा वक्फे के लिए हम माजत खाएं, लेकिन मजा आ रहा है। पीटीसीएल वाले भी क्या याद रखेंगे, कोई छुप के नीवी नीवी होके लोगों को लूट रहे थे। बेग साहब के हम मशकूर हैं और हम बेग साहब से गुजारिश करेंगे कि आइंदा पीटीसीएल के खिलाफ कानूनी चारा जोई के लिए हम लोगों को दावत देंगे कि वो हमारे साथ आएं ताकि हम इसके ऊपर उनको रेमेडी दिलवाएं और इसी तरह बाकी इदारों के पीछे भी हम लगेंगे। तो बेग साहब सिर्फ ये एक पिछली हुकूमत में सीपैक, दुनिया में सीपैक हो गया जी, वो छोटा सा प्रोजेक्ट तो नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 5 मरले का घर बनाना मुश्किल काम है, बड़े बड़े तो खैर फार्म हाउस और फिर दुबई में
नैब के चीफ ने, चीफ जस्टिस साहब, साबिक चीफ जस्टिस और नैब के अब चीफ जावेद इकबाल साहब ने कहा है कि जिन्हा को साइकिल नहीं सी, मोटरसाइकिल थे, दुबई में टावर हैं जी। लेकिन ये जो सी पैक है सर, इस पर बताइए कि अब ये दबे अल्फाज में ये तब्दीली वाले जो हुक्मरान हैं, कप्तान एंड टीम, वो क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम पूरे मुल्क से, ईरान से हमारे तलकात खराब हो गए, हम गैस ना ले सके? इज इट राइट सर? यस सर। कतर को हमने डाउटफुल क्लियर दे दिया, जो कि अब आके क्लियर हुआ कि जी बड़े पैसे बचे। पड़ोसियों से सब हमारे कुट्टी हो चुकी है, एक चाइना रह गया है, उसके साथ जो अभी उसके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, क्या हुआ, जरा रोशनी डालिए। और हम क्या करने जा रहे हैं, और ये तब्दीली कहीं हमारे गले में तो नहीं पड़ जाएगी? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और बड़ा दुख भरा सर। हाँ, सी पैक जो है, जो पिछली दो हुकूमतें इस पे काम कर रही हैं और मुसलसल काम हो रहा था, और ये स्टेट लेवल पे काम होते हैं, किसी पर्सनल के पर्सन के आने जाने से बदलती नहीं है, स्टेट लेवल पे काम होता है। इधर चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से एक रोड बन रहा है, और जो ग्वादर से और चाइना के लिए जा रहा है, और इसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड होगी, पाकिस्तान दुनिया की बंदरगाह, जो ग्वादर की बंदरगाह है, बहुत बड़ी बंदरगाह है, उससे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का अनटैप्ड एरिया, अनपोटेंशलाइज एरिया जो है, वो वहाँ पे हरियाली होगी और वहाँ पे तरक्की होगी। और ये कोई गलत काम तो नहीं है, कोई बुरा काम तो नहीं हो रहा, कोई मुल्क के अगेंस्ट काम तो नहीं हो रहा, मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ तो नहीं हो रहा, स्टेट सॉवरेंटी, सॉवरेन गारंटी दी हुई है दोनों स्टेट ने, उस पर काम कर रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये कोई शायद कोई आई डोंट नो कोई फॉरेन प्रेशर है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं कर रही, और ये अब इनको नए तब्दीली वाले लोग आए हैं, जो इनको पता चलेगा कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज है, ये कांटों की भी नहीं, ये स्पाइस है। स्पाइस सेज है। तो इस पे आपने कैसे फैसले करने हैं, और किस तरह आप मुल्क को लेके चलते हैं, और कितनी लीडरशिप क्वालिटी है आप में कि आप उसको स्टेट के जो फॉरेन एग्रेशन है, प्रेशर है, उसको बर्दाश्त करते हैं। मतलब इससे पिछली गवर्नमेंट ने नेटो की सप्लाई बंद की रखी है, और तीन साल नेटो की सप्लाई बंद की रखी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने सुली स्टैंड लिया, और जब उसने क्या किया था, हमारे अफवाज पे, हमारे शहरियों पे, उन्होंने नेटो की अफवाज ने हमला किया और हमारे कुछ लोग शहीद हुए, और जब वो फिर ये ऊपर से ये जुल्म के, ये फ्रेंडली फायरिंग है। Yes, जुल्म उन्होंने, हमने कहा कि अपोलोजाइज करें इस पे, फिर खोलेंगे। उन्होंने कहा हम पैसे ज्यादा लेते हैं, पैसे देते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने कहा हम पैसे बात नहीं करते, हम पैसे वही रखेंगे, आप उस पे अपोलोजाइज करें। अपोलोजाइज किया तो उन्होंने नेटो की सप्लाई खोल दी, और उस वक्त आप थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें, मीडिया और दुनिया वर्ल्ड ये कहती थी कि जी ये कोई और रस्ते से सप्लाई बना लेंगे, ईरान की तरफ से आ जाएंगे, उन्होंने कहा बना लें कि हम, हमारे पास और अल्टरनेट कर लें, नहीं हुए, नहीं हुए, अल्टीमेटली उनको यहाँ सेंडर करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, और हमारी गवर्नमेंट ने असली स्टैंड लिया। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप किस लेवल पे जाके मुल्कों के साथ बात करते हैं, स्टेट के साथ बात करते हैं। अगर आपने मुल्क के मुफादात के खिलाफ काम करना है, और ये इंशाल्लाह आवाम नहीं बख्शेगी, ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी, इनको पता चल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और बेग साहब, अब छोटी सी एक बात और, सिर्फ ब्रीफ शॉर्ट बता दें कि जाहिर है टैक्स काम तो बड़ा है, और आपका दिलचस्प टॉपिक भी है, आपकी स्पेशलाइजेशन भी है, टैक्स का निजाम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में शुरू हुआ था, उस दौर से हुआ था, वहां से लेके इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और ये किन के ऊपर उस दौर में लागू लाजमी था, कौन एग्जेम्प्टेड थे, शॉर्ट सा बताइए, और यहां तक हम कैसे पहुंच गए, और वहां तो गर्दन कलम की कर दी जाती थी, या गरीब के गिट्टे काट दिए जाते। जी टैक्स का निजाम जो है, शुरू से ले लें आखिर तक ले लें, स्टेट चलाने के लिए होता है। स्टेट जब पैसे, एक्चुअली ये इसको नई रिसर्च में कहा गया, ये कास्ट ऑफ सिविलाइजेशन है। ओके, आप स्टेट आपको सिविलाइजेशन की सहूलियात देती है, आपके उसके बदले में उसको पे करते हैं, और जो कमज़ोर लोग होते हैं स्टेट उनको भी देती है उसमें से, जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं स्टेट, इसी स्टेट की वजह से,
वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनको मौके मिलते हैं। स्टेट उनको कहती है कि आप कुछ हिस्सा स्टेट बैतुल माल में जमा करा दें, उससे आगे स्टेट वेलफेयर के काम करती है। इस्तेमाल किया कि माजी में ये बैतुल माल के में जमा, इसी को आप ट्रेजरी कह रहे हैं, बैतुल माल कह लें, और ये ऑनेस्ट तरीके से ही करना होता है। अब लेटेस्ट सिस्टम जो अब आगे हुए हैं, अब आईटी की टेक्निक्स हैं, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का दौर, हो गया, वो टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को यूज करें और कम से कम पिलफरेज हो, मैक्सिमम टैक्स की रिकवरी हो। जब आप मैक्सिमम टैक्स की रिकवरी करेंगे तो जो टैक्स देने वाले हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा, टैक्स रेट्स में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक हमारी रिक्वायरमेंट है। मकसद सबसे इतना टैक्स करना नहीं है, मकसद ये है कि हमें इतने बिलियन की ज़रूरत है, वो हमने कहाँ से रिकवर करने हैं, टैक्स रिकवर करने हैं। अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो आप टैक्स रेट सिंगल डिजिट में ला सकते हैं, सेल टैक्स का कम कर सकते हैं रेट, और डे बाई डे रेट कम हो भी रहे। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जी बिल्कुल जरूर तफसीली प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा रहेगा, लोग फायदा उठाएंगे, आपकी एक्सपर्ट टीम हमारे साथ हुआ करेगी, डीएनएन की टीम हुआ करेगी इंशाल्लाह। बेग साहब ये बता दें कि ये जो तब्दीली ख्वाहिश थी कि ओवरनाइट हर घर में दूध की नहरें निकलेंगी, आप इस हुकूमत को कोई मशवरा देना पसंद फरमाएंगे? अगर वो सुनना पसंद फरमाएं, वरना तो सोशल मीडिया पे वो हंगामा खड़ा किया जाता है, बच्चों को क्या सिखा दिया है, वो गाली गलोच और वस्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बच्चों मेहरबानी फरमाओ, खुदारा खौफ करो। बेग साहब मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुसाफिर शब से उठते हैं, जाना जिन्हें दूर होता है। Yes. ठीक है, हम आप और हम छोटे होते थे, सुबह खाला के घर जाना है, नानी के घर जाना है, तो रात को तैयारी करते थे। ठीक है, ये कभी नहीं हुआ कि आप नानी और खाला के घर पहुंचे तो पता चले कि वो तो मामे सारे बस्ता बे वाले निकले। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जितनी भी जनाब कप्तान साहब, उनकी नियत पे कोई शक नहीं, वो आ गए, कैसे आए, लाए गए, आ गए, वी वेलकम। लेकिन अब जो अपनी वो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी का हाल देखें कि जब रख लेते हैं हलफ हो जाता है बच्चों, बल्कि मैंने तो लिखा, मैंने तो कहा कि कितना अफसोस है जिन्नू कटिया या काना निकलिया या कीड़े वाला निकलिया या गंदा निकला, ये क्या जुल्म है। तो बताइए सर कि ये क्यों हो रहा है, कराची में देख लें, गौरव साहब लगाएं, आज मीडिया का दौर है, डिगिंग ऐसी होती है फट पूरी हिस्ट्री निकाल दी जाती है। जी, जी, आप बताइए सर कि अभी कल एक मिनिस्टर साहब फैसलाबाद के रखे हैं, ओथ उठाया, इधर ओथ चला था, इधर साथ उनकी हिस्ट्री चली थी कि जी उन्होंने कब्जे किए हुए हैं फलां, तो ये कोई ऐसा वीएन है। देन आते ही बिजली 40%, गैस फलां परसेंट वापस ले लो, आगे कर दो, पीछे कर दो, ये कर देंगे कुछ तो इनको ये मैं आपकी बात इसमें ऐड कर दूं, स्टेटमैनशिप है ही नहीं, ये खिलाड़ियों का काम नहीं होता, ये लीडर्स का काम होता है कि मुल्क को आपने कैसे चलाना है और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। स्टेट जब डिसाइड करती है तो वो लॉ होता है, लॉ की पहली डेफिनेशन ये है कि वो चेंज नहीं होता, लॉ चेंज स्टैंड होता है, देख साहब लॉ चेंज नहीं होता, और यहाँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं तब्दीली आई है। चलिए जी, ये तब्दीली आई है या गरीबों के लिए कोई पतीली आई है जिसमें सारे बिल डाल के उबाले जा रहे हैं, अच्छी तवक्कोआत रखते हैं, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। और अच्छा लगा बेग साहब ने बड़ी मोटी मोटी बातें खुल के की। ग्रेट व्यूअर्स, हमारी ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अपोजिशन ने भी रवैया बहुत अच्छा रखा, अदलिया आगे जा रही है, बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करते हैं कि गरीबों की भी सुनी जाएगी। इंसाफ दहलीज पे पता नहीं कब, हमारे दादा ने जो किया अभी तक तो हमें नहीं मिला। चलिए अब तवक्को करते हैं कि तब्दीली में इंसाफ के जो यार्ड स्टिक्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे, अमीर और गरीब में फ़र्क हो जाएगा, स्कूल बेहतर हो जाएंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यकूब जावेद कमयाना दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिए, अपना नहीं पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद।